एड नंबर्स यूजिंग प्रॉपर्टीज, हम प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करते हुए नंबर्स को जमा करना सीखते हैं। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? सबसे पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर दो नंबर्स जमा हो रहे हैं, जैसे 2 + 3, तो इनको जमा करने से जो जवाब आएगा वो बराबर होगा अगर हम इन दोनों नंबर्स की जगह बदल के जमा करें, यानी 3 + 2 करें। इसका क्या मतलब है कि 2 + 3 बराबर होगा 3 + 2 के, तो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने तीन नंबर्स को जमा करना होता है, जैसे अगर हमारे पास जमा हो रहे हों 2, 3 और 4। तो इन तीनों नंबर्स को हमारे पास जमा करने के दो तरीके होते हैं, या तो हम पहले 2 और 3 को जमा करें और उसके बाद उसमें 4 जमा करें, तो जो आंसर आएगा वो बराबर होगा अगर हम पहले 3 और 4 को जमा करें, 3 और 4 को जमा करके उसके बाद उसमें 2 जमा करें। ब्रैकेट्स बताती हैं कि इनके अंदर वाले नंबर्स पहले जमा होंगे, तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इन प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हुए आज हम देखेंगे कि हम किस तरह से बड़े नंबर्स को जमा करते हैं। तो इसके लिए हम नंबर्स लेते हैं 16, इसमें जमा करेंगे 200 + 4। ये तीन नंबर्स हमने जमा करने हैं। तो अब हम अगर देखें तो 16 और 4 को जमा करने से हमारी एडिशन आसान हो सकती है, तो हम क्या करेंगे, हम 200 + 4 की जगह पे लिख सकते हैं 4 + 200। तो हम लिखेंगे 4 + 200। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक 200 + 4 बराबर होगा 4 + 200 के। अब इसके साथ आ जाएगा 16 plus, अब 16 और 4 को जमा कर सकते हैं, तो 16 + 4 आ जाएगा 20 के साथ प्लस हो जाएगा 200, और 200 + 20 क्या होता है 220, यानी 220। तो हमने अब इन तीन नंबर्स को जमा किया है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की मदद से। एक और मिसाल करते हैं। अब हमारे पास नंबर्स हैं 100 + 547 + 3, और यहाँ पर ब्रैकेट्स बता रही हैं कि 100 और 547 को पहले जमा करना है, लेकिन अगर हम देखें तो 547 और 3 को जमा करने से हमारी एडिशन आसान हो सकती है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 100 + 547 + 3, और ब्रैकेट्स हम ले जाएंगे इन दो नंबर्स के साथ, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक हम इनको इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब ब्रैकेट्स के मुताबिक हमने पहले इन दोनों नंबर्स को जमा करना है, तो ये आ जाएगा 100 + 547 में जब 3 को जमा करेंगे तो ये बन जाएगा 550। अब 100 में जब 550 जमा होगा तो ये बन जाएगा 650। तो यहाँ पर हमने नंबर्स को जमा किया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की मदद से। इसी तरह से एक और मिसाल देखते हैं। नंबर्स हैं 317 + 100 + 3। तो यहाँ पर भी 317 में 3 को प्लस किया जाए तो एडिशन आसान हो सकती है, तो हम क्या करेंगे, हम 100 + 3 की जगह पर लिखेंगे 3 + 100। ये हमने इस्तेमाल की है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और यहाँ पर लिख देंगे 317। जब हम 317 में अब जमा कर सकते हैं 3 को, तो ये बन जाएगा 320, और इसके साथ आ जाएगा +100। 320 में जब 100 करेंगे तो आ जाएगा 420। तो इन तीन नंबर्स को हमने जमा किया है और हमारी एडिशन आसान हुई है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की मदद से। इसी तरह अगर हमारे पास नंबर्स हों 305 + 15, तो यहाँ पर हम 305 को ब्रेक कर सकते हैं, इसकी जगह पर लिख सकते हैं 300 + 5,
और यहाँ पर हम इस ब्रैकेट्स लगा देंगे कि ब्रैकेट्स के अंदर हमने 305 को ब्रेक कर लिया है, तोड़ लिया है, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 15। अब अगर 5 और 15 को जमा करेंगे तो हमारी एडिशन आसान हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 300 प्लस, ब्रैकेट्स ले जाएंगे 5 प्लस 15 के साथ। तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो 5 प्लस 15 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20, और इसके साथ जमा हो रहा है 300, और 300 प्लस 20 हमारे पास बनता है 320। तो यहाँ पर हमने नंबर्स को जमा किया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की मदद से। आज हमने देखा कि हम प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से बड़े नंबर्स को जमा करते हैं या उन्हें ऐड करते हैं।